हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, हेयर इज योर साइंस चैप्टर नंबर 5, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इन दिस चैप्टर बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी एसिडिक, दैट कैन बी बेसिक और दैट कैन बी न्यूट्रल, दैट इज आर सॉल्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट, देन यू विल know about what the acid is, what the base is and what the salt is. Let us start our reading. We know that हम जानते हैं कि all substances are divided as substances, सभी substances को divide किया गया है solids form में, liquids and gases form में, on the basis of their physical state, उनके physical state के basis पे substances can be divided in other ways also, substances को हम अदर तरीके से भी divide कर सकते हैं। Sometimes we use the sense of taste. कई बार हम अपनी टेस्ट वाली सेंस का यूज़ करते हैं। We have 5 सेंस in all. In that taste is our one sense. So sometimes we use this sense to group the substances. Substances का ग्रुप बनाने के लिए, for example, fruits like lemon, fruit जैसे कि lemon है, orange है, raw apples हैं, कच्चे apple हैं, खट्टा लगता है, sour means खट्टा लगता है। सिमिलरली सब्सटेंसेस, इसी तरीके से कुछ सब्सटेंसेस लाइक बिटर गार्ड, टेस्ट बिटर, कुछ ऐसे कड़वे सब्सटेंस होते हैं वो आपको कड़वापन देते हैं। बिटर गार्ड करेला कड़वा लगता है, शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर मीठी होती है। वाइल सब सब्सटेंस आर सॉल्टी इन नेचर, जबकि कुछ सब्सटेंस नमकीन होते हैं। द सोरनेस और बिटरनेस, जो ये खट्टापन है या कड़वाहट है, इन सब्सटेंसेस इन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन देम, ये किसकी वजह से होता है? उनके अंदर प्रेजेंट एसिड या फिर बेस की वजह से। बट इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है एंड सेफ टू नो अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय टेस्टिंग देम, कि सिर्फ हम टेस्ट से ही बता दें कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी बेसिक है। देन हाउ कैन वन टेस्ट द नेचर, तो ऐसे कोई कैसे बता सकता है किसी सब्सटेंस का नेचर कि वो एसिडिक है या बेसिक है? एन इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेट करने वाले जो आपको बताएगा किसी चीज़ के बारे में, यहाँ पर इंडिकेटर यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमें ये बताएगी कि कौन से सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है, इज़ यूज फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शिल डिस्कस अबाउट एसिड बेसिस एंड इंडिकेटर्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में एंड इंडिकेटर्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट एसिड्स एंड बेसिस। मैनी सब्सटेंसेस, बहुत सारी सब्सटेंस दैट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास हैं, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। वन मेजर डिफरेंस अमंग देम, जो सबसे बड़ा डिफरेंस उनके अंदर है, इज वेदर या तो दे आर एसिडिक, या तो वो एसिडिक हैं या फिर बेसिक इन नेचर है। एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं? द वर्ड एसिड इज डराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड एसिड, वर्ड एक लेटिन वर्ड से निकला है एसर, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब ही होता है सोर यानी खट्टा। अब जिसका नाम आपने खट्टा रखा है दैट मीन्स उसका सच में टेस्ट खट्टा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देते हैं और उसका नेचर मैच नहीं करता। सो अगर उसका नाम सोर है दैट मीन्स एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर, वो सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में आर कॉल्ड एसिडिक, उन्हें एसिडिक कहा जाता है। टेस्ट ऑफ एन एसिड इज सोर, सो एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंस है दैट कंटेन एसिड, जिसमें एसिड होता है, एंड सो टेस्ट सोर इसलिए की वजह से खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन है, नींबू, कर्ड, दही, पिकल्स, अचार, ऑरेंज जूस, विनेगर, सिरका, एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, ये एसिडिक के नेचर होते हैं। लेकिन हर एक एसिड को टेस्ट करने मत बैठ जाना, एसिड हार्मफुल भी होते हैं। ये क्या है? वीक एसिड है, जिसकी वजह से हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया कि हर एक को टेस्ट करके बता पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने इंडिकेटर भी डिस्कवर किया हुआ है, जो भी आपको चैप्टर में पता लग जाएगा। सम नेचुरली ओक्योरिंग एसिड्स आर लिस्टेड बिलो, कुछ नेचुरली बनने वाले एसिड्स की लिस्ट है। देखिए एसिटिक एसिड जो कि विनेगर सिरके में पाया जाता है, मैलिक एसिड जो एप्पल में प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड जो पालक में प्रेजेंट होता है, स्पिनच, कॉर्बिक एसिड जो आंवला में प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फूड यानी खट्टे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, लेमन है, ऑरेंज है, एसेट्रा, टार्ट्रिक एसिड जो ग्रेप्स में होता है, टैमरिंड इमली में होता है, अनराइप मैंगोज कच्चे आम में होता है,
लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में प्रेजेंट होता है दही में, सच एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ऐसे ही एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में हमारे पेट में खुद से प्रोड्यूस होता है. लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर मसल्स, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ड्यूरिंग वाइग्रस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सब कुछ ज़्यादा अमाउंट में हर चीज़ डेंजरस होती है. ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाए तो एसिडिटी बन जाती है, ज़्यादा लैक्टिक एसिड बन जाए तो हमारी मसल्स को बहुत थकान महसूस होती है, हम थक जाते हैं. एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड भी होता है. व्हेन इट ब्रेक डाउन सम सब्सटेंसेस, जब ये क्या करता है, यूरिक एसिड जो हम वॉशरूम जो आप टॉयलेट करते हैं वाटर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में जो निकालते हैं वो क्या है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है. ये कब प्रोड्यूस होता है, जब आपका खाना, जब आपके सब्सटेंस आपके स्टमक में टूटते हैं, डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो उस सब्सटेंस में वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है ये. सो ये हमारे लिए वेस्ट होता है, इसीलिए हम इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. नेचुरली ऑक्यूरिंग एसिड्स, जो नेचुरल बनने वाले एसिड है, प्रोड्यूस बाय प्लांट्स और एनिमल्स, जो एनिमल्स और प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ के आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड विद मिनरल्स, जो मिनरल्स की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स हैं. Use of acids. Acids के uses क्या हैं? Acids have many important uses. इसके काफ़ी important uses है, जैसे hydrochloric acid is used to clean wash basins. आपने wash basin को देखा होगा, wash basins धोई जाती हैं, आपकी मम्मा धोते होंगे, तो acid का use करते हैं, वो कौन सा होता है, hydrochloric acid होता है. या फिर another sanitary wares का भी use करते हैं, जैसे हारपिक की बहुत सारी ऐड आती हैं. It is also used as a reagent in laboratory. ये laboratory में भी use किए जाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड इन इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल बैटरीज में, इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. गोल्डस्मिथ यूज़, जो गोल्ड बनाने वाले हैं वो नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए. समझ आया एसिड, क्लियर? नेक्स्ट, बेसिस. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा, जैसे बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, थोड़ा सा मतलब ऐसा सा टेस्ट आता है कि या तो आपको वो कड़वा लगेगा या फिर कुछ टेस्ट ही नहीं होगा, तो वो बेसिस की कैटेगरी में जाते हैं. बिटर इन टेस्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिस इन दैम, बेसिस के प्रेजेंस की वजह से. इफ़ यू रब द सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन द फिंगर्स, अगर आप अपनी उंगलियों के बीच में बेकिंग सोडा को थोड़ा सा रख कर आप उसे क्या करें, रब करें, इट फील सोपी, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट, क्या होता है, सॉफ्ट सा लगता है, सोपी सा लगता है. सॉफ्ट सॉल्यूशन वॉशिंग सोडा, जैसे सॉप का पानी ले लो, वॉशिंग सोडा ले लो, ये भी बेसिस के ही एग्जांपल है. तो बेसिस का आपको दो पता लगा, एक तो इसका टेस्ट बिटर होता है, सेकंड इसका सोपी नेचर है. द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन बेस, तो ऐसे सब्सटेंस का नेचर कैसा होता है जिसमें बेस होता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिक है वो. सम कॉमन बेसिस आर, कुछ कॉमन बेसिस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहा जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसे लाइम वाटर कहते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि सॉप में प्रेजेंट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि विंडो क्लीनर में यूज़ होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एसिडिटी की मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ होता है, जिसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. सो ये सब क्या है, बेसिस हैं. मैनी बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, बहुत सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते, बट सम बेसिस, लेकिन कुछ बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कुछ डिजोल्व हो भी जाते हैं. द बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर, वो बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और कॉल्ड एल्कलीज, उन्हें एल्कलीज कहते हैं. द सॉल एल्कलीज आर बेसिस, सो आप कह सकते हैं कि सारे के सारे एल्कलीज क्या हैं, बेसिस जो पानी में डिजोल्व होते हैं, तो वो क्या हो गए, बेसिस तो वो है ना, तो हर एक एल्कली बेस होता है, लेकिन हर एक बेस एल्कली नहीं होता, क्योंकि हर एक बेस पानी में डिजोल्व नहीं होता. यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के यूजेस, बेसिस आर यूज्ड इन, बेसिस का यूज़ किया जाता है सॉप में, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, मैनी अदर इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को अलग करने के लिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं, क्लीनिंग पर्पस में करते हैं, एंटा एसिड्स यानी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है. क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने एसिड स्टडी कर लिया, बेस स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हमने कहा था इस चैप्टर में मेनली क्या स्टडी करना है, इंडिकेटर्स। इट इज़ नॉट ऑल्सो ऑलवेज पॉसिबल, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, टू नो द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय टेस्टिंग दैम। ये पता लगाना कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या चीज़ बेसिक है टेस्ट करने से। टेस्टिंग सब्सटेंस इन लेबोरेटरी इज़ नॉट ऑल्सो एडवाइजेबल। लेबोरेटरी में सब्सटेंस को टेस्ट करना बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं देता, बिकॉज इट मे बी हार्मफुल, क्योंकि खतरनाक हो सकता है। दस टू टेस्ट का केमिकल नेचर, इसीलिए किसी भी सब्सटेंस का केमिकल नेचर जानने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक, अ स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस, एक अलग से सब्सटेंस लिया जाता है जिसका नाम है इंडिकेटर, यूज़ किया जाता है। एन इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, इंडिकेटर इंडिकेट करता है अपने कलर को चेंज करके, कलर चेंज कर देगा टू शो द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर को शो करेगा। इंडिकेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंडिकेटर को टू टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंसेस, ऐसे इंडिकेटर जो आपको नेचुरली बने हुए सब्सटेंस से मिले उन्हें कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि टर्मरिक है, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी। आप ना अलग अलग देखिए, आपके कपड़े पर हल्दी का दाग लगाइए और उसके ऊपर आप साबुन रगड़ दीजिए। साबुन क्या है, मैंने अभी बताया था, सॉपी नेचर है, बेस है। आप जैसे ही बेस लगाएंगे ना वहाँ पर, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो अब येल्लो, हल्दी का रंग येल्लो था ना, अब वो ऑरेंज का कलर दिखेगा। तो ऑरेंज कलर ने शो किया कि वो जो सब्सटेंस आपने लगाया, वो जो आपने सॉप यूज़ किया है, वो बेसिक इन नेचर था। इसी तरीके से अगर आप एसिड का यूज़ करते हैं तो उसका कलर कुछ अलग आएगा। तो ये कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। इसी तरीके से लिटमस, लिटमस क्या होता है, एक ना पेड़ है, पेड़ से कुछ फ्लूड निकाली जाती है लिक्विड फॉर्म में, क्रीम सी पेस्ट निकलती है जिसका आप ना बाद में क्या बना देते हैं, पेपर बना देते हैं एक तरीके का, लिटमस पेपर उसे कहा जाता है। ये भी क्या काम करता है, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, दो पेपर बनाए जाते हैं। और जो हमें प्लांट से मिलता है वो पर्पल कलर का मिलता है, हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं लेबोरेटरी में। सो आप क्या करते हैं, रेड को आपके पास ना दो सॉल्यूशन दे दिए, आपको पता नहीं है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, दो चीज़ें दी आपने उसके अंदर ना डिप करके देखा। जैसे आपके पास रेड कलर का है पेपर होता है बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप ली, आपने इसके अंदर डिसॉल्व करके देखा, आप देखिए रेड का कलर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब जो चीज़ आपने ली हुई है ना वो क्या है, बेसिक है। रेड टू ब्लू हो जाए तो वो चीज़ बेसिक है। अगर अब ब्लू कलर का किसी में डिसॉल्व करके देखे, ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिडिक है। तो इस तरीके से पता लगाया जाता है। इसी तरीके से चाइना रोज़ है, वो भी अपना कलर चेंज करके बता देता है। बहुत सारे ऐसे हैं, फिनोफ्थलीन है, बहुत सारे और भी सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक, सिंथेटिक वर्ड क्या होता है, मैनमेड, यानी जो हमने बनाया है। इंडिकेटर दैट आर मेड इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं ना कि नेचुरली बनते हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, उन्हें सिंथेटिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये हमने खुद ने बनाए हैं। लिटमस अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसको स्टडी करते हैं अच्छे से। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर जो है वो लिटमस है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, लीचन ये देखिए आपको यहाँ पेड़ पर दिखते हैं, ये ग्रीनिश पोर्शन है, ये थोड़ा सा ऐसे पोर्शन है, तो ये लीचेंस होते हैं, इससे निकाला जाता है। लीचन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, इट कंसिस्ट ऑफ फंगी, जिसके अंदर फंगी होता है, एल्गी होता है, काइगिजम ही होती है, ग्रीनिश पोर्शन है, लिविंग इन द सिम्बोटिक रिलेशनशिप। सिम्बोटिक रिलेशनशिप हमने सबसे पहले इस चैप्टर में स्टडी किया था, क्या होता है, जिसमें किसी देखिए फंगी अपना खाना, इनमें से एक जेना अपना खाना बनाता है लेकिन एक जेना खाना नहीं बना पाता, वो दूसरे पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, तो इनका रिलेशनशिप कैसा हो गया, सिम्बोटिक। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, लिटमस जो है वो इस सॉल्यूशन की फॉर्म में ले सकते हैं या फिर पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में ले सकते हैं, दो कलर्स की, ब्लू या रेड, ये रेड कलर की और ये ब्लू कलर की, इस तरीके की स्ट्रिप्स बना दी जाती है, या फिर आप सॉल्यूशन से भी टेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड लिटमस एंड लिक्विड लिटमस पेपर,
आर यूज टू डिटेक्ट, लिक्विड वाला ही लेंगे या फिर पेपर लेंगे, दोनों का यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए कि कौन सा सोल्यूशन, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। लिटमस गिव्स अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर आप उबलते हुए पानी में, डिस्टिल्ड वाटर उबले हुए पानी में अगर आप लिटमस पेपर को डालते हैं, लिटमस डालते हैं तो वो एक पर्पल कलर देगा। तो उसने बता दिया कि वो क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू को ब्लू डालेंगे तो वो ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि रेड रेड में ही रहेगा। रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जब बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा किस में, बेसिक में। सीधा होता है, देखिए ब्लू रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ, कहाँ गया ब्लू, ब्लू का बी तो वो सॉल्यूशन क्या था, बेसिक। अब ब्लू से रेड कन्वर्ट हुआ, ब्लू से रेड आर आया, बी नहीं आया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक। क्लियर? नेक्स्ट है टर्मरिक यानी कि हल्दी, अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ये भी नेचुरली मिलती है, पेड़ पर उगती है ना ये, इसे काटा जाता है, इसके पीसेस फिर पाउडर फॉर्म में निकालते हैं। तो ये टर्मरिक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक इज ऑल्सो यूज एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज ऑफ येलो कलर, येलो कलर का होता है, टर्न्स इनटू रेड, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है व्हेन डिप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन, जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। टर्मरिक डज नॉट चेंज इट्स कलर, अपना कलर नहीं बदलती इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर नहीं बदलती। हैव यू एवर नोटिस कि आपने कभी देखा है हल्दी का दाग रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब आप डिटर्जेंट या साबुन का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट और साबुन क्या था, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, इसी तरीके से कुछ टेस्ट करके देखना, लेमन जूस, लेमन जूस ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, जबकि लिटमस पेपर का यूज़ करोगे तो, क्योंकि ब्लू टू रेड यानी वो एसिडिक इन नेचर है, पहले ही बताया खट्टी चीज़ है एसिडिक होता है, और टर्मरिक पेपर का यूज़ करोगे तो ये येलो कलर का शो करेगा, ऐसे ही रिमेन्स येलो, टर्मरिक येलो कलर था, आपको अभी भी बताया कि एसिड का कलर चेंज नहीं होता तो वो येलो ही रह गया। विनेगर, हल्दी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है, रिमेन्स येलो, जबकि ये ब्लू टू रेड हो जाएगा। सॉप यानी बेसिक, बेसिक में क्या होता है, रेड टू ब्लू, ये क्या हो जाएगा, टर्मरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बेसिक है, रेड टू ब्लू और टर्न्स रेडिश ब्राउन। क्लियर? नेक्स्ट चाइना रोज इज इंडिकेटर, चाइना रोज यूज़ किया जाता है, चाइना रोज इससे ना पानी निकाला जाता है, उसको इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। चाइना रोज इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज पेटल, जो चाइना रोज के पेटल से, पत्तियों से निकाला जाता है इन एन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में देखिए, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, इट एग्जिबिट डार्क पिंक, ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है, मैजेंटा कलर जिसे कहा जाता है, वाइल इन अ बेसिक, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन हो जाता है। आपने जैसे पिट उससे जो भी रोज़ है ना, रोज़ से आपने फ्लूड निकाल लिया, लिक्विड निकाल लिया और उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल के देखा, या फिर एसिड के अंदर थोड़ा सा वो डाल के देखोगे, मैजेंटा कलर हो गया, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, एसिडिक है। अगर आपने बेस के अंदर थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ है, आपको नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, और उसके अंदर आपने रोज़ का वाटर डाला है और वो चीज़ हो गई ग्रीन, इसका मतलब वो चीज़ क्या थी, बेसिक इन नेचर थी। यू कैन ईजिली मेक चाइना रोज सॉल्यूशन, आप इजिली बना सकते हैं, कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज लो, कीप देम इन अ बीकर, एक बीकर में डाल के रखो, एड सम वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दो बीकर में, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वाटर बिकम्स कलर्ड, पानी कलर्ड बन जाएगा। नाउ यूज दिस सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर, बस हो गया इंडिकेटर प्रिपेयर। सो एसिड और बेस को चेक कर सकते हो आप लोग। इसी तरीके से लेमन जूस का टेस्ट करोगे वो डार्क रेड कलर शो करेगा, विनेगर का करोगे डार्क रेड, डिटर्जेंट ग्रीन, बेकिंग सोडा ग्रीन, ऑरेंज डार्क रेड। डार्क रेड वाले कौन से होते हैं, एसिडिक या पिंक कह लो या फिर रेड कह लो, और यहाँ पर बेकिंग सोडा क्या है, ग्रीन कलर शो करते हैं। फिलहाल के आज इतना कवर करिए। आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।